20 अगस्त को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक आर्द्रता लिखित परीक्षा को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी के अलावा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रदेश के 75 जिलों में 2 पालियों में ऑफलाइन ढंग से आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लिखित परीक्षा संपन्न की जाएगी, जिसके संबंध में अब तक की गई तैयारियों तथा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में चर्चा की गई तथा परीक्षा को सुचितापूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। इसमें कोई बड़ा छोटे वाली बात नहीं है कि उसकी लिस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी लिस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर, एटा से 31 विद्यालयों की सूची तीनों लोगों के हस्ताक्षर से भेजी जा चुकी है। ठीक है सर, हमारे यहाँ से 35 विद्यालयों की सूची तीनों लोगों के हस्ताक्षर से जा चुकी है। जरूर हमें आगत कर दी है, एक कॉमन बात कहनी है। इस बार जहाँ जहाँ जिले में सूची आ गई है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से मंडल में होते हैं, तो पहले आपको कौन सा मंडल लिया? मेरे हाथ में सूची है, इनके पूरे साइन है जो इनके पत्नी है जो, और DRS के बीच में साइन है, किनारे मेरे साइन, पता नहीं कौन सी सूची की बात कर रहे हैं। इनके स्वयं साइन है मेरे हमारे यहाँ से संयुक्त हस्ताक्षर सर अलीगढ़ के सर हमारी संयुक्त हस्ताक्षर सूची, जिसमें कि एजुकेट संस्था के प्रतिनिधि के भी हस्ताक्षर प्रेषित की जा चुकी है। टाइम नहीं है, अगर हमारे पास सारी सूचियाँ हमें नहीं मिलेगी, हम लोग जो पेपर प्रिंट कर रही संस्था उसको हम संख्या और जगह के नाम नहीं बता पाएंगे, तो हमारा ये एग्जाम टाइम से नहीं हो पाएगा, और उसके लिए जो है शामिल होंगे।